जब भी हम गंदे हाथों से अपना चेहरा छूते हैं तो वायरस आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हर समय हमें अपने हाथों को साफ रखने की बेहद ज़रूरत भी है। लेकिन आपको बता दें कि हर रोज़ हैंड सैनिटाइज़र के बार बार इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए आपको बताते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सैनिटाइज़र बैक्टीरिया को मारने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन शरीर में मौजूद माइक्रोबायोम्स, वैसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, उनको भी मार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपके लिए साबुन और पानी से हाथ धोना बिल्कुल भी संभव ना हो। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार एंटीबैक्टीरियल तत्व के साथ आने वाले हैंड सैनिटाइज़र कई बार एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया को विकसित कर देते हैं। इसलिए इस तरह के बैक्टीरिया ना उत्पन्न हो, इसके लिए सैनिटाइज़र की जगह साबुन और पानी से हाथ धोने को ही वरीयता दें। आपको लगता है कि हैंड सैनिटाइज़र लगाकर आपके हाथों की गंदगी साफ़ हो जाती है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हैंड सैनिटाइज़र गंदगी को नहीं मारता। अगर आपके हाथ गंदे दिख रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज़र काम भी नहीं करेगा। हैंड सैनिटाइज़र गंदगी साफ़ नहीं करते, और अगर हाथ गंदे हों तब तो बैक्टीरिया को मारने में भी इसका कम प्रभाव होता है। अगर आप रोज़ाना हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपने शायद गौर किया होगा कि आपके हाथ पहले से कहीं ज़्यादा अधिक ड्राई हो गए हैं। इसका कारण, या कहें इसकी वजह, है सैनिटाइज़र में मौजूद अल्कोहल, जो आपकी स्किन को काफ़ी ड्राई कर देता है। कई रिसर्च के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि इसका ज़्यादा प्रयोग बच्चों की इम्यूनिटी को भी घटाता है। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।